नमस्कार दर्शकों, कृषि जागरण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लीना शर्मा, फार्मर द जर्नलिस्ट, आज आपको यहाँ पर जो सब्जियाँ लगी हुई है खेत में उन्हें बताने जा रही हूँ। ये देखिए टमाटर यहाँ पर लगे हैं और ये टमाटर बिल्कुल अपने घर का जो बीज है इन्होंने यहाँ पर रखा है और अपने घर के बीज से ही ये टमाटर तैयार किए हैं। और साथ में इनके एक फ्रांस बीन का ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत अच्छी फ्रांस बीन इसमें लगी हुई है। ये दो प्रकार की होती है, एक फ्रांस बीन होती है जो यहाँ नीचे जो उस प्लांट होता है लेकिन बरसात में वो ख़राब हो जाती है, परंतु मैंने इस फ्रांस बीन में ये पाया कि इसमें अच्छी सब्जियाँ लगी हुई है और ये ख़राब भी नहीं होती इसके कारण, क्योंकि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ज़मीन के साथ वो नीचे बारिश से जो उनमें मिट्टी वगैरह से जो है उनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कितनी बिल्कुल साफ़ सुथरी फ्रांस बीन है। और मैंने देखा है कि मैं आपको दूसरी फ्रांस बीन भी बताऊँगी तो उसमें नीचे से मिट्टी लग गई है। तो ऐसी जो लंबी बेलों वाली जो सब्जियाँ होती है उनमें ज़्यादा कीड़ा लगने का डर नहीं रहता। देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये फ्रांस बीन का जो एक पौधा लगा हुआ है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कुछ एक ये मूंगफली का, यहाँ पर मूंगफली लगाई हुई है ये देखिए। और मूंगफली के साथ ही इन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के भी कुछ प्लांट लगाए हैं। थोड़े सी प्लांट है लेकिन इसमें बहुत सी स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पर खाई और देखी भी। ये देखिए यहाँ पर खीरा भी लगा हुआ है, इनके खीरे में अभी फूल लगा हुआ है, छोटा छोटा खीरे अभी लगना स्टार्टिंग है इसकी। आपको पता है ये लोकल खीरा है और ये बहुत टेस्टी होता है। ये यहाँ हमारे हिमाचल के हाइट वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। मैंने इसका ट्रायल इसमें भी किया था, लो हाइट वाले फार्मर को भी मैंने इसका बीज दिया था लेकिन वहाँ पर ये सक्सेस नहीं हुआ। तो ये बीज जो है यहाँ, और ये खीरा बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट जो है इस खीरे में होता है। और ये देखिए यहाँ पर अनार का पेड़ है, यहाँ से अनार निकाल दिए गए हैं, यहाँ बहुत से अनार लगे हुए थे, अभी एक दो दिख रहे हैं। और मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर ये आम का पौधा लगा है, ये आम का पौधा 2-3 साल का हो गया है बट अभी इसमें आम नहीं लगे हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये बेल जैसी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मोटी जैसी बेल जिसके गोल गोल पत्ते हैं, एक गिलोय है और ये बहुत अच्छी होती है। इसको हम इसका हम सेवन भी करते हैं, कहते हैं कि बीपी की शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे हम गाय को भी देते हैं कई बार खाने में, मतलब औषधि के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबाई इसकी है, ये देखिए यहाँ तक लिपटी हुई है ये गिलोय की। ये यहाँ मूंगफली का ये खेत है। दर्शकों बता दें कि इस पूरे खेत में मूंगफली थी लेकिन हिमाचल प्रदेश में आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके चलते जो ऐसे खेत नीचे की ओर गिर गए हैं, जो भी मूंगफली का जो ये खेत था ये पूरा गिर गया नीचे और इस घर के ऊपर गिरा है। दर्शकों मैं बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा बारिश आजकल हिमाचल प्रदेश में हो रही है जिसके कारण यहाँ पर देखो ये इन बेचारों ने अपना घर बचाने के लिए यहाँ पर एक तुरपाल जैसा बिछाया हुआ है ताकि इनका घर सुरक्षित रहे। दर्शकों ये था, अभी आपके सामने एक फार्मर है, अभी गाय की सेवा करके आए हैं। हाँ जी, आपके पास कितनी गाय हैं? मेरे पास 3 गाय हैं। कौन सी नस्ल की गाय आपने पाली हुई है? जर्सी नस्ल। अच्छा, और कितना लीटर दूध देती है वो गाय? 1-7 लीटर देती है और 1-3 लीटर देती है। अच्छा जी, गाय के लिए आप स्पेशल जो है क्या बनाते हैं, मतलब
गाय की डाइट क्या देते हैं आप उसको? हमने जो हमारे अपनी गेहूँ उगी होती है और मक्की उगी होती है उनको पिसाते हैं और उसी को हम उनको डाइट देते हैं, हरी पत्तियाँ और हरा घास वगैरह देते हैं, जबकि आजकल हरा घास है, जब सूखा होता तो सूखा घास देते हैं। अच्छा जी, तो दर्शकों अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ मैं अगली कड़ी में आपको फिर से सब्जियों के बारे में या किसी प्रगतिशील किसान से मिलाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।